नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। देखते हैं आज की खास खबर। सब्जी व्यापारी की गोली मारकर हत्या। शहर में हो रही हत्या की वारदातों को देखकर लगता है कि अपराधियों में कानून का डर खत्म हो गया है। आए दिन हत्या की वारदातें सामने आ रही है। बुधवार की शाम आशीर्वाद नगर की बैंक कॉलोनी में हुई वारदात से परिसर के नागरिक भी दहशत में आ गए हैं। उधार पैसे वापस नहीं करने के कारण दिन दहाड़े एक सब्जी व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात पुलिस ने इस मामले से पर्दा हटाते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक सोमलवाड़ा निवासी उमेश रामदास ढोबले बताया गया। दरअसल सईक सकीर सईक हसन से मृतक ने 1.5 वर्ष पहले सब्जी के व्यवसाय के लिए 6 लाख रुपए उधार लिए थे और आरोपी बार बार उससे उधार लिए पैसों को मांग रहा था, परंतु मृतक पैसों को देने में आनाकानी कर रहा था। आज घटना के दिन भी आरोपी अपने दोस्त सईक इमरान सईक जमील के साथ पैसे मांगने गया था, तभी उनका आपस में विवाद हो गया, जिसमें आरोपी ने अपने पास की रिवॉल्वर से गोली चलाकर उमेश रामदास ढोबले को मौत के घाट उतार दिया और घटनास्थल से फरार हो गए। देर रात पुलिस ने आरोपी सईक सकीर सईक हसन और सईक इमरान सईक जमील को हिरासत में लिया है। करीब 1 महीने पहले मृतक का 2 युवकों से भी विवाद हुआ था। पुलिस ने उन दोनों से पूछताछ, लेकिन घटना से कोई भी लेना देना न होने की उन्होंने बताया। बताया जाता है कि उमेश गाड़ी के बीच में बैठा था, उसके पीछे बैठे आरोपी ने पिस्तौल से सिर पर फायरिंग की। दोनों आरोपी घटनास्थल से भाग निकले। गोली की आवाज सुनकर आसपास के नागरिक जमा हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही सकरधरा के थानेदार अपने दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उमेश को तुरंत उपचार के लिए मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उसे मृत घोषित किया गया, जिसके बाद घटनास्थल का जायजा लिया गया। गाड़ी के नंबर और पास से मिली वस्तुओं से उमेश की पहचान हुई। पुलिस ने परिजनों को सूचित किया। उमेश का भाई घटनास्थल पहुंचा। उसने बताया कि उमेश सब्जी का थोक व्यापारी था। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।